Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to start the PYQ from unit 4. Unit 4, that is social work with community and social action. Yahan par unit 4 ke jitne bhi PYQ hain from 2012 to 2020, pichle 8 saalon ke jitne bhi question honge sabhi ko discuss kiya jayega is video ke madhyam se. So now let us start. Here this is all about me, and you can mail me on this email ID socialburg.eportal@gmail.com for any query, and also please join this telegram channel swipe_net. इसको जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें. और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं पेड ग्रुप के लिए, ये जो नंबर दिया है, या इस पर मैसेज कर सकते हैं. यह पूरी जानकारी पेड ग्रुप के रिगार्डिंग आपको यहां से दी जाएगी. सो नाउ लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018 द कॉन्सेप्ट ऑफ फेल्ट नीड इज रिलेटेड टू. फेल्ट नीड का जो कॉन्सेप्ट था किससे रिलेटेड है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं यहां पर. जो जो अवधारणा है किससे संबंधित है, द सोशल ग्रुप वर्क, सोशल केस वर्क, सोशल एक्शन एंड द सोशल यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. सो आप बताइए इसका कौन सा राइट होगा आंसर. यहाँ पर हिंदी में दिया है सामाजिक समुदाय का काम, सामाजिक आवरण, सामाजिक क्रिया एंड सामुदायिक संगठन. सो जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर जो फेल्ट नीड का कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली फेल्ट नीड का मतलब होता है कि जो लोगों के द्वारा कुछ भी उनकी जो डेफिशिएंसी है रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी उनकी समस्या है, जो भी डिफिशियंसी है, उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फेल्ट नीड. ये कम्युनिटी बेसिकली कम्युनिटी के द्वारा परसीव किया जाता है कि क्या समस्या है, क्या उनकी डिफिशियंसी है लोगों की, उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है फेल्ट नीड. सो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम को लेकर के इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, आप यहां से देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में. पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल सोशल प्रॉब्लम आर डेविएशन फ्रॉम दी आइडियल सिचुएशन. जो आदर्श स्थिति होती है उससे विचलन को ही जो सोशल प्रॉब्लम है वहां से ड्राइव होती है. सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज बाई मैनी फैक्टर्स विच आर सोशल इन ओरिजिन. बेसिकली सामाजिक समस्या है कई कारणों से उत्पन्न होती है, वो बेसिकली सामाजिक उनका जो ओरिजन है जो बोल सकते हैं कि मूल रूप से वो सोशल होती है, सामाजिक होती है. एंड ऑप्शन सी सोशल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी. समाज के सभी इंडिविजुअल्स सभी व्यक्तियों के लिए ये जो सोशल प्रॉब्लम है उन पर प्रभावित नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होती है. एंड ऑप्शन डी दिया है सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली. सभी लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से सोशल प्रॉब्लम बेसिकली अफेक्ट करती है, सभी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. सो इसमें से आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सामाजिक समस्याएं होती हैं वो जो आइडल सिचुएशन होती है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, उससे अलग जब हो जाता है तो उसको ही सोशल प्रॉब्लम बोला जाता है. दूसरा ऑप्शन दिया है सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज बाई मैनी फैक्टर्स विच आर सोशल इन ओरिजिन. ऑफकोर्स यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम की बात की जा रही है तो समस्या भी सोशल ही होगी, तो उसका ओरिजिन भी सोशल ही होगा. सो ये भी सही है, दोनों सही है. ऑप्शन सी दिया है सोशल प्रॉब्लम्स डू नॉट अफेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी. इसमें ये बोला गया कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को ये सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट नहीं करती, तो ऐसा नहीं है. एक सोसाइटी बनती कैसे, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कैसा भी, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं. तो सोशल जो प्रॉब्लम है ऑफकोर्स सभी को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करती है. जैसे अभी आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट कोरोना वायरस, तो ये सभी के लिए, सभी को अफेक्ट किया, चाहे जो अमीर है या गरीब है, समाज के सभी वर्ग के लिए ये प्रभावित हुआ है. तो ये जो सोशल प्रॉब्लम भी सभी के लिए मतलब सभी को अफेक्ट करती है. सो ये जो ऑप्शन सी दिया है वो रॉन्ग हो जाएगा. और ऑप्शन फोर दिया है सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंटली इंडिविजुअल्स डिफरेंटली, ये ठीक है कि अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, किसी को ज्यादा किसी को कम. सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. पॉइंट आउट द मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर सामुदायिक संगठन के मॉडल को यहाँ पर इंगित किया गया है, आपको बताना है
कौन कौन सा है? सोशल एक्शन, सोशल प्लानिंग, लोकैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिटी बिल्डिंग। सो आपको बताने में से कौन सा सही है। सो आप बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर हिंदी में यह है सामाजिक क्रिया, सामाजिक नियोजन, स्थानीयता का विकास और सामुदायिक भवन। सो अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडल की, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने पढ़ा होगा रोथमैन के द्वारा तीन मॉडल दिए गए थे कम्युनिटी के। एक लोकैलिटी डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा था सोशल प्लानिंग मॉडल, तीसरा था सोशल एक्शन मॉडल। तो यहाँ देख सकते हैं सोशल प्लानिंग, सोशल एक्शन और यहाँ पर लोकैलिटी डेवलपमेंट। लो यहाँ पर जो कम्युनिटी बिल्डिंग दिया गया है, तो अगर आपने पढ़ा होगा इसमें थ्योरी में जो कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल है और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रेंटेशन मॉडल है, ये भी दिया गया था किसके द्वारा? सॉल एलिंस्की के द्वारा। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा सॉल एलिंस्की के द्वारा थ्योरी में। इनके द्वारा दो मॉडल दिए गए थे, कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रेंटेशन मॉडल और कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। तो ये भी इसी का पार्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि रोथमैन के द्वारा जो मॉडल दिए गए थे वो कौन से, तब केवल तीन ही सही होते। बट यहाँ पर दिया गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मॉडल है, तो ये चौथा भी होगा, बिकॉज ये दिया गया था किसके द्वारा? सॉल एलिंस्की के द्वारा। सो चारों के चारों इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पर समुदाय का आधार नहीं है इनमें से कौन सा? लोकल कम्युनिटी, सॉरी कॉमन लोकैलिटी, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड कॉमन वे ऑफ लाइफ, जीवन का सामान्य तरीका। जैसे अगर बात करें कम्युनिटी की, समुदाय की, तो समुदाय में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ में रहते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें एक उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी एक ही जैसी होती है, कॉमन चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया है कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जरूरी नहीं है कि एक समुदाय में रहने वाले लोग सभी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे। डिफरेंट एवरीबडी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी, सो जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन सी जो रॉन्ग हो जाएगा। और कॉमन सेंटीमेंट, उनके सेंटीमेंट एक होते हैं, उनके बीच में एक बी फीलिंग होती है। बी फीलिंग का मतलब होता है अपनेपन की भावना, तो ये भी सही है। लोकल सॉरी कॉमन लोकैलिटी, तो ये तो मैंने बता ही दिया, कम्युनिटी होती है तो एक कॉमन लोकैलिटी होती है, सब साथ में रहते हैं लोकल, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। केवल जो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा, वो यही पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, सामान्य राजनीतिक विचारधारा नहीं होती सबकी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन नवंबर 2017 एंड रॉबर्ट रेडफील्ड हैज मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ लिटिल कम्युनिटी। यहाँ पर लिटिल कम्युनिटी की बात की गई है, लिटिल कम्युनिटी की क्या क्या क्वालिटी इसमें मेंशन की गई है उनके द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिटिल कम्युनिटी के बारे में बताया गया था कि उनकी कौन कौन सी जो क्वालिटी होती है। पहला है डिस्टिंक्टिवनेस, इसका मतलब होता है कि मतलब उनके बीच में थोड़ा बहुत भिन्नता होती है, सब अलग अलग होते हैं, और स्मॉल साइज और होमोजेनिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स, मतलब उनके बीच समरूपता भी होती है, बिकॉज वो निवासी होते हैं एक जगह के, तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। और उसके अलावा दिया है होमोजेनिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स, डिपेंडेंस ऑन दी अदर कम्युनिटी। तो अगर हम बात करें लिटिल कम्युनिटी की, तो लिटिल कम्युनिटी में उन्होंने ये जो उनकी जो क्वालिटी इन्होंने मेंशन की थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, वहाँ पर दूसरे समुदायों पर निर्भरता, मतलब जैसे एक कम्युनिटी है तो दूसरे कम्युनिटी पर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं इन्होंने बताया था कि एक कम्युनिटी है वो अपने आप में पूर्ण है, उसकी उनमें जो रहने वाले लोग हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बट वो दूसरी कम्युनिटी पर निर्भर नहीं करते, आपस में वो मिलजुल कर रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो आपस में उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये केवल जो डी ऑप्शन होगा रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों सही है, स्मॉल साइज होती है, डिस्टिंक्टिवनेस होती है, फीचर होते हैं उनके, और होमोजेनिटी भी होती है, उनके समरूपता भी होती है उनके निवासियों में। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मेथड ऑफ गेटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी। सो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने का तरीका है? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है ट्रांसेक्ट वॉक, नॉन फॉर्मल इंटरव्यू, सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग, सामाजिक और सांसारिक मानचित्रण के माध्यम से लोगों का पार्टिसिपेशन प्राप्त किया जाता है। बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई सोशल वर्कर
सोशल वर्कर कहीं पर वर्क करने जाता है किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में, तो वहाँ के लोग जो होते हैं उनका कैसे पार्टिसिपेशन उनको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा डिफरेंट एक्टिविटी में। तो कई तरीके होते हैं, कई टेक्निक होती हैं, कई मैथड होते हैं, तो उनमें से कुछ मैथड यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ट्रांसेक्ट वॉकिंग का मतलब होता है कि लोगों से मिलजुल के, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके या उनके पास जा करके उनसे बात करके, तो ये सही है। और नॉन फॉर्मल इंटरव्यू का मतलब होता है गैर औपचारिक तरीके से, तो ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी दिया है सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग की जाती है, जैसे किसी विलेज में गए तो वहाँ पर रिसोर्स मैपिंग की जाएगी, उनकी जो समस्याएं हैं उनके उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उनके खुद के रिसोर्स का यूज़ करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, तो ये भी जरूरी होता है उसका। तो तीनों के तीनों इसमें सही है, तो पहला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ना तो क्वेश्चन नंबर 7, सो दिस पंचायत राज सिस्टम कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें पंचायत राज प्रणाली की, तो सबसे अच्छी तरीके से उसको समझा जा सकता है। चार आपको स्टेटमेंट दिए हैं, पहला है चाइल्ड एंड वीमन डेवलपमेंट। सो अगर आपको पंचायती राज समझना है तो क्या ये चाइल्ड एंड वीमन डेवलपमेंट से समझा जा सकता है। ऑप्शन बी दिया है ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, ऑप्शन सी दिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी दिया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास। सो अगर आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा होगा तो ये दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पंचायती राज बेसिकली रिलेटेड टू दी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आप भी अपनी जितने भी क्वेश्चन है आप उनको पॉज करके आप अपने आंसर निकालिए और टोटल करके आप बताना लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेबल्ड एज कम्युनिटी। चार ऑप्शन दिए हैं, विलेज, नेबरहुड, नेशन एंड सेंटीमेंट। अगर आप चारों में से देखें तो आपको ये बताना है कि बेसिकली किसको कम्युनिटी बोल सकते हैं, किसको एज ए लेब, मतलब यहाँ पर नॉन लिखा है कि आपको बताना है कौन सा नहीं है, कौन किसको लेबल नहीं कर सकते कम्युनिटी, कम्युनिटी के रूप में, समुदाय के रूप में। तो विलेज अपने आप में कम्युनिटी होता है, सही हो जाएगा। नेबरहुड एंड नेशन एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट में जहाँ पर काफ़ी कुछ लोग रहते हैं साथ में एक दूसरे के साथ, और उनके जो डिफरेंट फंक्शन हैं वो करते हैं आपस में मिलकर, तो ये भी सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए भी ठीक होगा। अब देखते हैं बी एंड डी। तो यहाँ पर नेशन की बात करें तो नेशन भी अपने आप में कम्युनिटी है, यहाँ पर बस इसकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है, सो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो लास्ट जो बचा वही रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें पूछा गया विच इज नॉट दी लेबल एज कम्युनिटी, सो ऑप्शन नंबर डी नेबरहुड ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सॉरी बी विल बी करेक्ट। अब नेबरहुड आके यहाँ बात करें नेबरहुड की, तो नेबरहुड में जरूरी नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे तभी वो कम्युनिटी बनेगी, और इसलिए बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिटी वर्क एज ए प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज इज कंसेप्चुलाइज बाय, यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर सर्विस को डिलीवर करने का जो प्रोसेस है कम्युनिटी वर्क में, किसके द्वारा कॉन्सेप्टलाइज किया गया है, किसके द्वारा ये अवधारणा दी गई है। आर्थर दुरहम के द्वारा, एम जी रॉस, रॉटमैन एंड एडविट ट्रैकर। सो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा आप बताइए इसका। सो फर्स्ट आर्थर दुरहम इज द करेक्ट, उनके द्वारा ही सोशल वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी करने का जो प्रोसेस था कम्युनिटी वर्क में, इन्हीं के द्वारा कॉन्सेप्टलाइज किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2016, सो व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपको ये बताना है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या संबंध है। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, द टू हैव नथिंग इन कॉमन, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ऐसा तो नहीं है, अगर बात की जा रही कम्युनिटी की तो ऑफकोर्स उसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा ही डेवलपमेंट पे, क्योंकि डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, संस्था होती है, इसके माध्यम से एक्शन ली जाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन होगा ही, तो ऑप्शन नंबर ये जो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट इज करेंटली यूज्ड मेनली इन रिलेशन टू द रूरल एरियाज ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री, वेयर वाज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन द एरिया इन विच लेवल ऑफ लिविंग आर रिलेटिवली हाई विद वेल डेवलप्ड सोशल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कम्युनिटी जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, हर जगह काम कर सकती है, ऐसा नहीं कि कोई डेवलप एरिया है या डेवलपिंग एरिया है या अंडर डेवलप एरिया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी कम्युनिटी की वो हर जगह वर्क करेगी, सो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है, बोथ टर्म आर यूज ऑफन यूज इंटरचेंजिंगली, मतलब इसमें दिया है कि आपस में परस्पर विनिमय किया जा सकता है इन शब्दों को, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों अलग चीज़ है, ये डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द फील्ड इन विच कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रैक्टिस बाय द प्रोफेशनल ट्रेन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें दिया गया है कि सामुदायिक विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो पेशेवर जो प्रोफेशनल ट्रेनी होते हैं, जो ट्रेन वर्कर होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो यहाँ पर वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सही है। सो अगर बात करें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है एट मेकिंग डिजायर इम्प्रूवमेंट, जो भी समस्या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, कम्युनिटी की जो समस्याएं होती है जैसे कि सोशल प्रॉब्लम, हेल्थ की, हेल्थ को लेकर के, वेलबींग को लेकर के, या फिर ओवरऑल फंक्शनिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सो ये कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से। और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सब साथ में मिलकर के आते हैं और एक कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, कलेक्टिव एक्शन के माध्यम से वो किसी भी समस्या का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसलिए, और एक आपस में संबंध भी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन आस्क इन दिसंबर 2015, द बुक कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस हैज बीन रिटन बाय, ये जो यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है, एम एस गौर एंड मुरे जी रोस, एम जी रोस बोल सकते हैं, के डी गैंगडे एंड ऑर्थर दुरहम, सो आपको बताना इनके दो इनमें से किसके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है, सो दिस बुक इज रिटन बाय, आप बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ऑर्थर दुरहम के द्वारा ये जो बुक है लिखी गई, इनके द्वारा बहुत सारी बुक लिखी गई, तो आप इनको अलग से भी एक बुक में कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे अच्छे से, एग्जाम में आपका जो आंसर है क्वेश्चन है वो गलत ना हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिस क्वेश्चन आस्क इन 2015 एंड यहाँ पर पूछा गया है कि अ पैसिव लीडर इज एन, आपको बताना है कि जो निष्क्रिय, मतलब अगर इसका जो हिंदी में अनुवाद करें तो निष्क्रिय होता है, बट इतना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, दो लीडर की आप यहाँ पर बात करें तो एक एक्टिव लीडर होता है, एक पैसिव लीडर होता है, ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, डेमोक्रेटिक लीडर एंड प्रॉफिट, ऑटोक्रेटिक लीडर एंड दी लेजन फियर लीडर। सो अगर हम बात करेंगे लीडर की, तो अगर आप लीडर की क्वालिटी अगर आपने पढ़ी होंगी क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना, और डेमोक्रेटिक लीडर्स ये और ऑटोक्रेटिक लीडर ये भी नहीं होगा, केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें देखते हैं कौन सा सही है। सो आप देख लेते हैं एक्टिव लीडर क्या होता है, एक्टिव लीडर वो होता है जो इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हमेशा वो इन्वॉल्व रहेगा, उसको ट्रैक करता रहेगा अपने कलीग्स के साथ, उनके जो नीचे जो काम करते हैं उनके साथ मिलके हमेशा इन्वॉल्व रहेगा प्रोसेस में, उसको एक्टिव लीडर बोलते हैं। और पैसिव लीडर कौन सा होता है, पैसिव लीडर वो होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो केवल तब इन्वॉल्व होता है जब कोई समस्या हो जाती है, जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसको ठीक करना होता है, तो तब वो इन्वॉल्व होता है, वो बेसिकली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है उसमें, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व ना किया हुआ जाए प्रोसेस में, जब तक कि उनके जो नीचे काम करने वाले हैं उनको कोई समस्या ना आए, तो पैसिव लीडर बोल सकते हैं। तो जो लेजेंड फियर लीडर होता है, लेजेंड फियर लीडर भी इसी को बोलते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो एब्सेंस ऑफ लीडरशिप इन दी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, तो एब्सेंस कहाँ कब होगा, जब वो पैसिव होगा, जैसे मैंने अभी बताया पैसिव एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लीडर, इनमें आपको बताना है लीडर के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, नेता के जो मुख्य कार्य होते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है लीडर एज एन एक्सपर्ट, लीडर एज ए प्लानर, लीडर एज अ मीडिएटर एंड लीडर एज अ सिंबल ऑफ ग्लोरी, गौरव का प्रतीक होना चाहिए नेता, ऐसा है क्या? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है एक्सपर्ट होना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी है, दैट इज राइट। ऑप्शन वी दैट इज अ लीडर एज अ प्लानर, ऑफ कोर्स उनमें योजना करने की क्षमता होनी चाहिए, दैट द लीडर शुड हैव द स्किल फॉर द प्लानिंग। एंड ऑप्शन सी दैट इज लीडर एज अ मीडिएटर, सो ये भी सही है, ये भी स्किल्स होनी चाहिए इसके अंदर, फंक्शन होनी चाहिए। एंड लीडर एज द सिंबल ऑफ ग्लोरी, गौरव का प्रतीक, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं हो सकता।
सो केवल तीन ऑप्शन सही होंगे, तो इसमें पूछा गया ब्रिज इज नॉट द मेन फंक्शन, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन आस्क इन 2017 द ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज एडवोकेटेड बाई, यहाँ पर ट्रेड यूनियन के द्वारा जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी, एनम लोघड़े, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक लिख गया शायद, बी पी वाड़िया, एम के गांधी महात्मा गांधी एंड जी एल नंदा, तो आपको बताने में किसके द्वारा एडवोकेसी की गई थी इस थ्योरी की, ट्रस्टीशिप थ्योरी। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में, तो ये जो थ्योरी थी बेसिकली ये इन्हीं के द्वारा एडवोकेट की गई थी, एम के गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि जो भी जितने अमीर लोग होते हैं उनको अपनी जो प्रॉफिट होती है उनके जो भी अगर इंडस्ट्री है या जो भी उनके कंपनी है तो उसमें से उसका कुछ प्रॉफिट को उनको पब्लिक में वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसको स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां करती हैं जैसे टाटा है अपना अपना जो प्रॉफिट का काफ़ी मतलब नियर अबाउट 50-60% वो वेलफेयर के लिए खर्च कर देती है, तो इसी प्रकार की इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। तो ये इनके द्वारा, एम के गांधी के द्वारा दी गई थी, एडवोकेसी की गई थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्टिंग्विश फीचर, यहाँ पर डिस्टिंग्विश फीचर का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब जो डिफरेंट जो फीचर होता है कंसर्निंग रिलीजियस रिलीजन बिटवीन दी ब्रह्म समाज एंड आर्यसमाज। आर्य समाज और ब्रह्म समाज उनके द्वारा जो भी बात की गई थी, जो भी उनके द्वारा बोला गया था, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ डिफरेंट है, कौन सा फीचर है वो, कौन सी विशेषता है जो कि इन दोनों को अलग करती है कंसर्निंग द रिलीजन, रिलीजन को लेकर के। पहला दिया है एंटी आइडोलेट्री, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और दूसरा है एंटी रिचुअलिज्म, कर्मकांड जो होते हैं, जो पूजा पाठ हो जाए उसमें बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं, तो उसका भी विरोध किया था। तो ये बेसिकली ये बता रहा है चार ऑप्शन दे करके कि क्या ये जो रिलीजियस रिलीजन को लेकर के इनके द्वारा जो कंसर्न थे आर्य समाज के और ब्रह्म समाज के, क्या ये दोनों को अलग अलग करते हैं, इनकी जो विशेषता है डिफरेंट करती है क्या। ऑप्शन सी दिया सेपरेशन ऑफ सोशल ईविल फ्रॉम द रिलीजन, मतलब धर्म से जो सामाजिक बुराइयां उनको खत्म करना, और ईविल स्टेटस टू द सॉरी इक्वल स्टेटस टू द ऑल रिलीजन, सभी धर्म है, सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया गया, ऐसा बोला गया था क्या। सो इसमें बताना है कौन सा इसमें फीचर है। सो अगर बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बराबर माना था हिंदुज्म के, उन्होंने कहा था कि सब बराबर हैं, बट जो आर्य समाज थी, आर्य समाज ने क्लेम किया कि बेसिकली हिंदुज्म सुपीरिटी है, और उन्होंने कहा कि यही बेस्ट तरीका होता है लाइफ को जीने का। सो इसलिए ये आपस में इनके बीच में डिफरेंस था, जो सभी धर्मों को बराबर नहीं माना गया था, यहाँ बताया गया कि माना गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपको दोबारा बता देते हैं कि जो ब्रह्म समाज थी, लिख लीजिएगा कहीं पर, ब्रह्म समाज जो थी वो इस्लाम क्रिश्चियनिटी और सभी हिंदुज्म सभी को बराबर मानते थे, पर आर्य समाज थी, आर्य समाज क्लेम था कि जो सुपीरिटी ऑफ द हिंदुज्म, एंड उनका क्लेम था कि यही बेस्ट तरीका होता है लाइफ को जीने का, और लाइफ का बेस्ट वे ऑफ द लिविंग। सो ये आपस में डिफरेंस था, बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, सब बराबर नहीं है, यही मेन डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर फॉलोड इन दी गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल। अगर गांधीयन का सोशल एक्शन मॉडल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, विच फॉलो इन दिस मॉडल। द फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्ट्रेटजी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल अप्रोच एंड दी प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन। सो आपको बताने में से कौन सा सही है। सो अगर आपने गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सो गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल आपको बता देते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग ऑप्शन, और इसके अलावा लेजिटिमाइजेशन, इसका मतलब होता है वैधानिक तरीके से, सही तरीके से, कानून के अकॉर्डिंग, और प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन करके सोशल एक्शन करना, और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजी अपनाना। गांधी जी ने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी की गई थी, उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने
ये जो एक्शन किए थे। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच, डुअल अप्रोच अपनाना, और प्रिंसिपल ऑफ मैनिफोल्ड प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम के माध्यम से। ये प्रिंसिपल है, आप इनको याद भी कर सकते हैं लिख के। सो इसमें जो पहला दिया है सिंगल स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन सही होगा, डुअल अप्रोच एंड दी लेजिटिमाइजेशन तीनों सही होंगे, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोल एलिस्के मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। सोल एलिस्के के द्वारा जो सोशल एक्शन के मॉडल दिए गए थे, सो आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट है उसका। पहला स्टेटमेंट है अटैकिंग द पर्सन हु हैड द एस्टेब्लिशमेंट, जिसके पास पावर है, जिसके पास अधिकार है, उसको जो हैड है उस पर्सन को अटैक करना उस पर डायरेक्टली, ठीक है, जो नेतृत्व करता है उस पर। और इंड्यूसिंग एंगर एंड हेट, क्रोध और स्वेद को बढ़ावा देना। एंड दी डिस्ट्रॉइंग द इंडिविजुअल हु होल्ड पावर, जो भी पर्सन के पास पावर है, शक्ति है जिसके पास, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये तरीके थे सोल एलिस्के के द्वारा बताए गए थे कि सोशल एक्शन के मॉडल। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनका मेन जो फोकस था कंट्रोवर्सी पर था, कि कंट्रोवर्सी करने से ही बदलाव आता है। कंट्रोवर्सी करेंगे तभी हेट करेंगे और एंगर को इंड्यूस करेंगे, और जो जिसके पास पावर है उसके खिलाफ में उसको अटैक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तभी जो चीज़ें हैं नॉर्मल हो सकती हैं समाज में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकता है। तो ये इनके द्वारा बोला गया था, सोल एलिस्के के द्वारा। मेन फोकस था इस पर कंट्रोवर्सी पर। तो तीनों के तीनों हैं इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था आपको बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर असैसिनेशन क्वेश्चन है। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सोशल एक्शन एंड सोशल लेजिस्लेशन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और यहाँ पर दिया गया है कि जो सामाजिक क्रिया और सामाजिक विधान है एक दूसरे के पूरक हैं। सोशल एक्शन ऑफन हाईलाइट द नीड ऑफ न्यू लॉ, तो ये ऑप्शन जो इसका जो रीजन दिया है वो भी सही है। सोशल एक्शन क्या होता है? सोशल एक्शन किया जाता है लोगों के द्वारा, जैसे कि जो भी अगर कोई बदलाव लाना है, कोई न्यू लॉ लाना, कोई नया प्रोविजन करना है, तो इन सब के लिए सोशल एक्शन किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है सोशल एक्शन का, कि कुछ बदलाव करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अभी ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है मोदी रोजगार दो, तो ये इसके क्यों लाया गया? ताकि सिस्टम में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको ठीक किया जा सके। तो ये जो एक्शन लिया गया है ये ऑनलाइन रूप में स्टूडेंट के द्वारा, तो ये जो सोशल एक्शन होते हैं बेसिकली उनका मेन उद्देश्य होता है कि जो नए नए लॉ हैं उनको लाया जाए, जो नए नए बदलाव किए जाएँ। तो सोशल एक्शन और सोशल लेजिस्लेशन, इसको बोलते हैं सामाजिक विधान, सही तरीके से नियम कानून से, ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। असोसिएशन रीजन क्वेश्चन है, इन इंडिया अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वीमन कांट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली नॉट इवन रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिया में महिलाएं हैं, लार्ज परसेंट ऑफ द वीमन, वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाते इवन अपनी लाइफ के लिए, खुद की जीवन के लिए। वो अपनी लाइफ से संबंधित जो डिसीजन होते हैं उनके पेरेंट्स लेते हैं, उनके हस्बैंड लेते हैं, मतलब खुद नहीं ले सकते। रीजन दिया है, इन इंडिया अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वीमन डज नॉट हैव पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति उनके पास नहीं होती है, अधिकार नहीं होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स कम होते हैं उनके पास, रिलीजन पॉलिटिकल ये सभी। तो इसी वजह से ये दोनों के दोनों जो रीजन है और जो एसेसन दिया गया दोनों सही है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। असेसन सोशल लेजिस्लेशन इज द डिक्री इशू बाई द गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द सडन सोशल इवेंट्स एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए, और सोशल इवेल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा ये जो सोशल लेजिस्लेशन, मतलब सामाजिक कानून है जो बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से ही ये सभी चीज़ें खत्म की जाती हैं। जैसे कि समाज की जो भी स्थिति है, कंडीशन है खराब, उसको इम्प्रूव करना, या सोशल इवेल्स हैं हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। और उसका रीजन दिया है कि द अल्टीमेट एम ऑफ द सोशलाइजेशन इज टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स इन दी सोसाइटी, समाज में बदलाव करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए इसका जो मेन उद्देश्य होता है सोशल, जो कानून बनाए जाते हैं उनका।
तो ये दोनों के दोनों सही है, सो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। यहाँ पर आपको लिस्ट वन लिस्ट टू दी गई है, आपको बेसिकली इसको पेयर करना है, जैसे कि चिप को मूवमेंट कब चलाया गया और किस लिए चलाया गया था, क्या इसका रीजन है, यहाँ पर दिया गया है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन और ऑपरेशन मित्रा एंड नक्सल बारी मूवमेंट, तो ये कब चलाए गए और किस लिए चलाए गए आपको ये बताना है। सॉरी, सो पहला दिया है चिपको मूवमेंट, आपको बताना है चिपको मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड था। चिपको मूवमेंट की अगर बात करें तो ये है आपका डिफॉरेस्टेशन को लेकर के था, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पेड़ों को हक करके चारों तरफ से उनको घेर लिया गया था ताकि उनको पेड़ों को बचाया जा सके। तो ये ऑप्शन नंबर जो ये है ये पेयर करेगा ऑप्शन नंबर 4 लिस्ट 2 के। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सी बी का सेकंड है, तो आप इसको आपको पता नहीं है तब भी आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता ही होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल रिहेबिलिटेशन, बिकॉज यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर जो डैम बनाया गया था वहाँ पर रहने वाले लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया था दूसरी जगह पर, इसी वजह से ये आंदोलन चलाया गया था। बेसिकली रिहेबिलिटेट सही तरीके से नहीं किया गया था, इसी वजह से ये सब आंदोलन चलाए गए थे। तो ये बी का सेकंड हो जाएगा। ऑपरेशन मित्रा आपका रिलेटेड है डिजास्टर रिलीफ से लेकर के, और नक्सलबारी मूवमेंट चलाया गया था इस सिस्टम को बदलाव करने के लिए। बेसिकली जितने भी नक्सल जो मूवमेंट चलाए जाते हैं उनका मेन यही कंसर्न होता है कि जो भी सिस्टम जो उनके खिलाफ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट में, इसी वजह से वो सब ज्वाइन करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं, तो ये सिस्टम को बदलाव करने के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सो दिस क्वेश्चन आस्क इन दिसंबर 2014 असेसन रीजन, द असेसन दैट इज द इकोनॉमिक जस्टिस इज कंसर्न विद द गिविंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अ फेयर शेयर, सभी को बराबर उचित हिस्सा देना चाहिए, मिलना चाहिए, यही मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक जस्टिस का, जिसको बोलते हैं आर्थिक न्याय। एंड द पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्विटी इक्वालिटी एंड द नीड्स, और जो सही तरीका होता है, सही जो क्राइटेरिया होता है वितरण का, संभावित मापदंड जो होते हैं इक्विटी समानता और आवश्यकता के आधार पर, तो तीनों के तीनों सही है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सो ये टोटल क्वेश्चन थे 27, और आई होप आप कितने आपके कितने आंसर सही हैं कि आप कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए 27 में से। और ये आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन कैन प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और कमेंट करके बताइए आपके कितने करेक्ट आंसर सही हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।